अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ इस चैनल पार्क नेचर पीडिया में। ठीक है, तो आज हमारी एक मैकेनिकल सी एक इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से वीडियो होने वाली है। ये एक आम घर के यूजेज के ऊपर है। ठीक है, जो हमारे घर में कंप्रेसर यूज होता है गैस के लिए। ठीक है, ये एक मेरे पास है जो मेरे अपने घर के जो ख़राब हुआ है, तो मैंने सोचा कि दोनों के लिए वीडियो बनाई जाए। तो ये हमारे पास जो एक कंप्रेसर है, ये काडा 850G है। ठीक है, इसका जो इशू ये आ रहा है कि हमारे पास इसका जो आउटलेट वाला है पॉइंट, यहाँ पर ना तो ये गैस को खींच रहा है ना कुछ। ठीक है, यानी कोई हम गैस खींच रहे हैं जो काम है इसका, वो ये नहीं कर रहा। ठीक है, आज हम इसको रिपेयर करने लगे हैं, साथ साथ इसमें जो मिट्टी है इसको भी कोशिश करेंगे साफ़ हो जाए, जो किचन में जरी बात है यूज़ होता है तो होती है। ठीक है, तो अगर चैनल में नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर करें, क्योंकि घर में हर किसी को नॉलेज इस बारे में होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या मसले होते हैं। ठीक है, जितना अच्छा मैं गाइड कर सकूँगा, मैं कोशिश करूँगा उतना ज़्यादा गाइड कर सकूँ आपको, ताकि आप अपने घर के जितने भी मसले हैं वो खुद ही फ्री में सॉल्व कर सकें। ठीक है, सिंपल। अभी मैं आपको पहले चेक करा देता हूँ ये बिफोर। ठीक है, पीछे से मैंने स्विच इसकी लगाई हुई है। ये मैं इसको जब ऑन करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऑन हो गया। ठीक है, रेड लाइट ऑन हो गई है, सही है। अब इसमें अगर मैं हार लगाऊं, ये भी सबसे लो कर दिया मैंने। ठीक है, जो मन पे आता है। लाइट ये ब्लिंक नहीं कर रही, ये लाइट कैमरे में शो हो रही है ब्लिंक होते हुए। ठीक है, अच्छा, बैरल यहाँ पर अगर मैं हार लगाऊं, यहाँ से हमारी जो एयर है उसका आउट होता है यहाँ से, और यहाँ से इन होती है ये पीछे से। तो अगर मैं दोनों आपको दिखाना चाहूँ, ये देखो मैं हाथ रख रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है, देखो। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एयर दिखाऊं आपको तो कोई हवा नहीं आ रही, सही है। थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है, समझे, फुल में कर देता हूँ। अब थोड़ी सी आवाज़ आने शुरू हो गई है, सही है। और जब यहाँ देखूँ तो ये देखो कि ये यहाँ पर जब हार लगा रहे तो देखो थोड़ा सा ना ये खींच रही, थोड़ी सी, बिल्कुल लिटल बिट। देखो मैं वो सुनाता हूँ आपको, अब आपको आवाज़ आ रही होगी, ये थोड़ा सा खींच रहा है और बिल्कुल एंड पॉइंट में। ठीक है, जो इसकी लास्ट पावर होती है, हालांकि जो इसने इतना खींचना है वो तकरीबन 1 PP खींचना चाहिए, इतने में तो गैस हमारी वैसे ही आ जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको वो चेक कराता हूँ, यहाँ पर देखो आउट में भी ये थोड़ी सी हवा आउट आ रही है, सही है। आज इसको इंशाल्लाह हम फिक्स करेंगे, जो इसका इशू है वो सॉल्व करेंगे और आपको इंशाल्लाह एंड में दिखाएंगे कि ये जब हमारा ठीक हो जाएगा बिल्कुल, सही है। और इसको देखते हैं क्या इसके अंदर इशू हो सकते हैं, जो बेसिक जितने भी इशूज़ हैं और आपको बताए जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अपने मैकेनिक के पास ले जाने से पहले ये आपने दिखाना है, खुद घर में इसको ऑपरेशन कर लेना है। आपको आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसको भी हम बाहर जाके इसको रिपेयर करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या वजूहत हो सकती हैं जो आपको कंप्रेसर में मसला करती हैं, और उनमें से कोई आपकी वजूहत हो तो आप उसको घर में रिपेयर कर लें। ठीक है, चलते हैं और इसको अभी रिपेयर करते हैं। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, ठीक है, और आप लोगों को बताने लगा हूँ कि इसको हमें रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, और ये इसका ये भी टूटा हुआ है, तो इसका भी कोई जुगाड़ लगाते हैं कि बैरल के थोड़ा सा रिपेयर हो जाए, सही है। ठीक है, बैरल इसके ऊपर हमारी कोई वो बहस नहीं, हमारी जो प्रेशर की वजह से, ठीक है, ये तो ऊपर बस लगा होता है उसके। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले तो शुरू में हमने ये देखना है, अगर आपने इसको देखा, अगर ये बिल्कुल फ्री है ना, अभी देखो इसमें ना थोड़ा सा जोर लग रहा है, देखो जोर लग रहे हैं और ये बिल्कुल घूम रहे हैं। अगर आपका यही फ्री हो जाता है ना तो आपकी इस चीज़ में मसला होगा और आपने इसको चेंज करवा लेना है। ठीक है, देखो अभी जो अगर मैं इसको देख रहा हूँ तो इसमें कोई ये वाला बिल्कुल हमारा, ठीक है, क्योंकि आवाज़ से पता लग रहा है और वो हमें। ठीक है, ये बात क्लियर होगी, इसको तो मैं लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा, चीज़ों के ऊपर हमें जो चाहिए होंगी वो होगी, एक छोटा सा टूल बॉक्स मैंने ले लिए। ठीक है, इनमें जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो हम लेंगे, और मेरे पास ग्लू गन नहीं है। आपको ग्लू गन चाहिए होगी, अगर जो इशू मेरा आने लगे, अगर उसको के लिए ग्लू गन मेरी ख़राब हुई है, तो ये एक स्टिक सी है ग्लू गन की। ठीक है, इसके ऊपर टिश्यूज थोड़े से लग गए हैं। ठीक है, तो बैरल इससे कोशिश करेंगे कि ठीक हो जाए ये पे कंप्रेसर। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपने इसको देखना है और इंशाल्लाह आपके काम आने वाली है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके अगर साइड में देखें तो ये कुछ पेजेस आते हैं मेरे पास, 2-4। ठीक है, इसको सिंपली सबसे पहले ना खोल लेना, ये आसान सा काम है, ये कोई भी खोल सकता है। ठीक है, इसके लिए जो हमें पेचकस चाहिए होगा वो हमारे पास
ये वाला हम इसके लिए चौरस पेचकस यूज़ करेंगे। तो मैं सिंपली इसको खोलता हूँ और आप लोगों को चेक कराता हूँ। तो यार अभी इसके पेजेस जो हैं वो हमने खोली हैं, ठीक है, ये पेज हैं, और ये जब हम इसको ऊपर उठाएंगे तो इसके नीचे हमारे पास सिस्टम आ जाएगा जो हमारे पास खींचता है हवा को और यहाँ से हवा को प्रेशर तेज़ करके करता है, ठीक है। ये हमारे पास एक होती है डिवाइस, इसके अंदर मसला है जो अभी प्रेशर का आ रहा है। आप लोगों ने वजूहत के अंदर ये भी देख लेना है, सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर अगर आप गौर करें, ये एक छोटी सी मदरबोर्ड टाइप सा लगा हुआ है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि यहाँ से कंट्रोल करना वोल्टेज को, जो वोल्टेज इसमें जितने हाई होंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना ज़्यादा कम होंगे उतना ज़्यादा इसका प्रेशर कम होगा। उसके लिए वोल्टेज कंट्रोल टाइप सी ये मशीन लगी हुई, देखो, ठीक है। इसमें आपने देख लेना है कोई चीज़ काली ना हुई हो, यानी जली हुई ना हो, ठीक है, और ये ओपन हो जाता है। बहरहाल इसमें हमारा कोई इशू नहीं है क्योंकि आप देख लो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ठीक है। मैं यहाँ से भी दिखाऊंगा तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और अभी बात इसमें आ जाती है, आप लोग जब खोलोगे यहाँ पर आपके जो, अगर कभी आपने अपने कंप्रेसर खुलवाया नहीं है तो यहाँ पर आपका येलो येलो कलर की ग्लू लगी होगी, ठीक है। हमारे इसमें नहीं है क्योंकि हमने इसको 2-3 बार ठीक कराया है, और जब बाहर से ठीक कराओ तो फिर वो काम जल्दी जल्दी करते हैं और पक्का नहीं करते, ठीक है। बैरल इसमें हमने आ जाना है, अब इसको हमने ओपन करना है इस चीज़ को, ठीक है। डरना नहीं है आपने कि यार ख़राब हो जाएगी चीज़, कोई मसला नहीं होता, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सिंपल से ये मोटर लगी हुई है, इसके अंदर मैग्नेट होगा, ठीक है। हमने सबसे पहले उसको देखना है, ये ऊपर से हल्का सा ये पाइप उतार लो ताकि आराम से निकल जाए, देखो आराम से उतारोगे निकल जाएगा, ठीक है। इसको नीचे कर लेना है, इसके साइड ना दो होते हैं जैसे मैग्नेट होता है ना, इसके दरमियान में इसके इस साइड में मैग्नेट होगा और जो इन दो साइडों में ना सील्स होंगी, ये देखो ये एक साइड है, ये पेज लगे हुए हैं। हर कंप्रेसर यही होता है, ठीक है, काटा के जितने भी कंप्रेसर उनमें यही सिस्टम लगा हुआ है, ये 4 पेज हैं, ठीक है, और 4 पेज इस साइड में होंगे, ठीक है। दोनों साइड एक ही जैसी है, सही है, सिंपल। और यहाँ से इसका इन जाता है और यहाँ से आउट आता है, ठीक हो गया। अच्छा बैरल, अभी हमने जो मसले को डायग्नोस करना है वो इस चीज़ के अंदर है, ठीक है। प्रेशर अंदर बन नहीं रहा, प्रेशर अगर बन ना रहा हो तो फिर इसमें इशू आता है, ठीक है। हम इसके अंदर देखेंगे और इससे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा हमारा इशू, सही है। तो अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने जो पेचकस है इसको ले लेना है, ठीक है। डस्टर की मदद से खोल सकते हैं कोई भी, चाहे ये लेडीज़ खोल लें चाहे ये जो जेंट्स है वो खोल लें, कोई मसला भी नहीं आता है इसमें इंशाल्लाह खोलने में, आराम से कौन से खुल जाता है, घर में इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने कोशिश तो करो यार घर में करने की, ठीक है, कोशिश करोगे तो फिर इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन आएगा। अभी देखो ये मैं पेज खोल रहा हूँ इसके, तो सिंपल से सारे पेजेस के खोल लेते हैं, ठीक है। मैं जल्दी से खोल लेता हूँ फिर आपको बताता ताकि वीडियो लंबी ना हो, सही है। तो इसका ये लास्ट पेज हम खोल रहे हैं, ठीक है। काम शुरू करने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ लेनी है ताकि आपका काम बहुत आसानी से हो जाए, ठीक है। और ये अब यहाँ से इसको थोड़ा सा खींचते हैं तो ये खुल जाता है, सही है। इसको मैं इस तरह सीधा रख लेता हूँ, ठीक हो गया, ताकि आपको सही नज़र आए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमारे ऊपर इसके ऊपर ना सील लगी होगी, ये सील लगी हुई है, ठीक है, इसको उतार लेना है आपने, ठीक है। ये सील इसलिए लगी होती है एयर बाहर ना जाए, ये देखो ये हमने खोल ली, ये सील है इसकी, ठीक है। कई दफ़ा आपने देख लेना सील में कोई इसमें ना क्रैक्स ना हो, ये इस तरह, अभी हमारी सील बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और काम चल रहा है इसे, ठीक है। अभी देखो ये जो है ये इसका एक इशू ये है, ये पूरा बैठा हुआ नहीं है, देखो ये शायद प्रेशर की वजह से, इसको पूरा बैठना चाहिए, ठीक है। दूसरी साइड भी देखेंगे ये बैठा हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर ये ऊपर हुआ ना तो इसकी एयर जो है वो बाहर आती है, ठीक है। अभी इसके अंदर हमारे पास मैग्नेट लगा होगा, ठीक है, तो मैग्नेट को खोलने के लिए आपको चाहिए होगा प्लास, ठीक है, उसकी मदद से ये खोलेंगे हम, ठीक है। अभी मैं दूसरी साइड खोलते हूँ, उसके बाद इसको प्लास से हम खोलेंगे, ठीक है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह सेम टू सेम ये चीज़ मैकेनिज्म लगा होता है, यहाँ से इसको खोल लेते हैं सिंपल से, और पेजिस को टाइट करके बांधना है ताकि एयर हमारी जो है वो बाहर ना जाए, ठीक हो गया। अभी जल्दी से पेज खोल लेते हैं और फिर देखते हैं, जितने स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह आपने इसी तरह फॉलो करने है और आपका जो मसला डायग्नोज हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। सिंपल हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, पेज उतार लिए मैंने, अब इसको निकालते हैं। सेम यही चीज़ इसमें भी आ गई, ऊपर इसके भी सील होगी, ठीक है, ये सील आपने उतार लेनी है, देख लो डैमेज तो नहीं है, नहीं डैमेज, ठीक है। इसको भी हम उधर साइड में रख देते हैं, ठीक है। और अब क्या करना है हमने, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो इसका इशू, ये पूरी बैठी हुई नहीं है, ये भी सही है। और जो साइडों से अगर इस रबड़ की बात करें, ये थोड़ी सी बैठी हुई है इसके दूसरी साइड की निस्बत, ठीक है, ये देखो ये, ठीक है। अब भी हमने क्या करना है, ये वाला पेज खोलना है, और डरने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है कि यार ख़राब होगी, चेक
कोई डरना शरना नहीं है आप लोगों ने, खुद करना है इंशाल्लाह हो जाएगा। ये देखो ये पेज है, इसको आप खोलते हैं बिस्मिल्लाह करके। हमारे पास जो प्लास है वो किधर है, अभी मेरे पास प्लास ये पड़ा पड़ा हुआ है, इसी से हम खोलेंगे ठीक है। और ये जो पेज है इसको खोलते हैं, मैं भी आप लोगों की तरह घर के एक बंदा हूँ ठीक है, सिंपल सा घर में जो जिस तरह खोलते हैं वही बंदा हूँ मैं, पे मैकेनिक शैनिक नहीं हूँ। मैं भी घर की चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह खुद ठीक करता हूँ। मैंने कहा यार जितना मुझे पता है मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँ और आपको इससे फ़ायदा हो ठीक है। बहरहाल ये वाली चीज़ हम खोलते हैं ठीक है, ये चीज़ वीडियो पूरी देखनी है ताकि इसका आप रिजल्ट भी आप देख सकें। कंप्रेसर वही है ठीक है, आप शुरू में देखा होगा 850G और इसका ये टूटा हुआ था, तो ये चीज़ भी वही चीज़ लगी हुई है। अच्छा बहरहाल अब इसको मैं खोलता हूँ, अब एक हाथ में फ़ोन होगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल से खुलेगा, तो मैं इसको देखो खोल लेता हूँ जल्दी से। वीडियो यार लंबी इसलिए होगी क्योंकि अगर आपने सॉल्व करना है तो ज़्यादा बात है जो वीडियो है वो थोड़ी सी लंबी होगी। नहीं देखो या हमने नेट जो नेट है वो खोल लिए, इसको घुमाना नहीं है साइड में रख देना है। ये चीज़ जब उठाएंगे हम इसके नीचे एक चीज़ ये होगी, ये क्यों होती है, ये रबड़ के अंदर लगने के लिए होती है ताकि जो रबड़ है वो हमारा स्लिप ना करे। इसके नीचे अब देखो ये सील भी मैं ऊपर से उठाऊंगा, देखो इस तरह से ये बिस्मिल्लाह, ये देखो ये सील भी ऊपर आ गई ठीक है, कोई डैमेज नहीं है। इसको हमने देख लेना है सुराख ना हो गए, जैसे फटी हुई ना हो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है ये भी। और ये जो चीज़ है ये निकल जाती है इस तरह आपके निकल जाए, डरना नहीं है, देखो ये निकल गई है। इसको मैं काम बताता हूँ इसका क्या होता है ठीक है। देखो जब रबड़ उतारनी है इसके नीचे ये चीज़ भी, अब इसका काम ये होता है जब इसके रबड़ आती है ना तो इसके ऊपर जब ये देखो तीन हमने ये तीन इसके बने हैं दंदाने से, ये इसके अंदर फंसते हैं। तो यार अजान की वजह से वीडियो को स्टॉप कर दिया था। अच्छा मैं बता रहा था इसका काम क्या होता है, देखो ये चीज़ है, इसको हमने जब लगाएंगे यहाँ पर इसके जब दंदानों को कह सकते हो जब इसके अंदर फंसते हैं ना तो ये आपस में जब अटैच हो जाते तो हिल नहीं सकते। देखो अब मैं हिला रहा हूँ तो ये हिल नहीं पा रहा ठीक है। अभी बैरल हमने इसको खोल लिए सील को ठीक है, इसके अंदर एक मैग्नेट होता है जो कि अभी आपको खुलेगा नहीं। ये देखो ये मैग्नेट लगा हुआ है, ये क्यों नहीं खुलेगा क्योंकि दूसरी साइड से पेज लगा हुआ है। दूसरी साइड से खोलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखो यार मैंने इसको खोल लिया दूसरी साइड भी। अच्छा इसमें जो मसला आता है ना, हमेशा जो कॉमन मसला होता है वो इस सीलों का होता है, ये बैठी भी नहीं होती या तो इन सीलों में सुराख होता है या कोई मसला होता है, या अगर आप इसका जो ढक्कन जो हमने ये उतारा था ना इसमें एक सील होती है ये चीज़ लगी होती है। ये देखो ये कभी कभी ख़राब होती है, नेट ढीला होता है, इसको भी हमने टाइट सेट कर लेना है ठीक है। हमारा भी मसला जो है वो इसमें नहीं है ठीक है। अच्छा ये हमने खोल ली ठीक है, इसके बाद ये जो इसके ऊपर ये चीज़ लगी हुई है इसको उतार लेते हैं, सेम वैसी होगी इसके ऊपर भी ये लगा हुआ था ठीक है। अब ये सील इसको बिस्मिल्लाह करके उतार लेते हैं, ये देखो ये हमने उतार ली ठीक है। इसके नीचे वही चीज़ लगी होगी जो बैठाने के लिए काम आता है, जो मैंने अभी आपको बताया था ठीक है। अब देखो ये मैग्नेट अब हमारा जुदा हो गया ठीक है, ये देखो। अब आपने ना एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि आपने इसकी जो मैग्नेट की लोकेशन है वो याद रखनी है किस साइड में, क्योंकि एक साइड में इसका पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है ठीक है। अभी अगर मैं मैग्नेट की हालत को चेक कराता हूँ आप लोगों को, ये देखो अब ये मैग्नेट की हालत है सही है। बज़ाहिर तो ये जो मैग्नेट है ना ये देखो इसको थोड़ा सा मतलब इतना ये ख़राब नहीं है ये देखो, लेकिन थोड़ा सा इसमें मसला है। तो थोड़ा सा जो मसला है ना इसको आप लोगों ने रिपेयर करना है। रिपेयर कैसे करोगे, यानी मैग्नेट जो है ना रिपेयर हो नहीं सकता ठीक है। इसकी रिपेयरिंग मतलब ये है कि आप इसको चेंज कर सकते हो ठीक है, करवा सकते हो। अब ये से हल्का सा यहाँ से क्रैक है, इसका इतना कोई इशू नहीं है, बस ये है कि ये थोड़ा सा ना देखो टेढ़ा है ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इसको जो सीधा करना है वो भी हम ट्राई करेंगे, सीधा हो जाए, अगर नहीं होता ना फिर हम नई लगा देंगे इसको, यानी चेंज कर देंगे। अभी देखो बस ये चीज़ें हमने उतार ली हैं दोनों साइडों से, ये देखो ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ ये दरमियान में कॉइल लगी हुई है ठीक है। कभी अगर आपका कंप्रेसर बिल्कुल भी नहीं चल रहा ना, बिल्कुल भी नहीं चल रहा, यानी आप कर रहे हो प्रेशर भी नहीं आ रहा, तो कभी कभार बहुत कम बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है कि कॉइल में मसला हो ठीक है। कॉइल का अगर मसला होता तो वो थोड़ा लंबा मेथड है ठीक है, वो आपसे नहीं होगा तो हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आप बाहर से करवा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ठीक है। मसला सील्स में आता है ठीक है, ज़्यादातर ठीक है। ये सील है हमारे पास, सील ये है हमारे पास सॉरी, और रिपेयर भी हम इसको करेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं इसको अभी क्या होता है। हमने खोला इसको क्यों है, सीलों को देख लें, सीलें हमारी ये बैठी भी नहीं थी, फिर आगे मैंने इसलिए खोला ताकि आप लोगों को बता दूँ कि भाई इस तरह इसके अंदर मैग्नेट होता है, मैग्नेट का मसला भी हो सकता है। अभी हम इसको पैक करेंगे, और अब जो हम इसको पैक करेंगे ना वो सही तरीके से पैक करेंगे, सीलों को सही बिठाना है, क्योंकि जब ये
चलती है ना मशीन, तो ये ना मैग्नेट इस तरह ऊपर नीचे होता है, इस तरह ऊपर नीचे होता है, जब ऊपर नीचे होता है ना सील इस तरह से अंदर बाहर होती है, जब अंदर बाहर होती है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जो खींचता है गैस को, सही है। तो अभी जब प्रेशर कई दफ़ा इस तरह होता है कि सील ये लगी हुई है ना, ये देखो ये सील, जब प्रेशर थोड़ा होगा ना उस तरह का, ये सील एकदम थोड़ी सी बाहर आ जाएगी, ठीक है। जब बाहर आ जाएगी तो हल्की सी अगर इस साइड हो जाए तो ये नीचे बैठेगी नहीं। अब साइड से देखो ये थोड़ा छोटा सा होल बन जाता है जहाँ से एयर हमारी अंदर जा सकती है, ठीक है, या बाहर भी आ सकती है, तो उसको हमने करना है, सही है। अभी बैरल इसको इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि रिपेयरमेंट इसकी कैसे करनी है, और इसको इंशाल्लाह हम बैठाएंगे देखो इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से, और फिर बताता हूँ आपको। अजान हो जाए तो उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार ये हमारे पास मैग्नेट था जिसका हम सीधा करने की कोशिश कर रहा था हथौड़ी से, लेकिन ये थोड़ा सा डैमेज हो चुका है, टूट चुका है, क्योंकि थोड़ा सा पहले डैमेज था, ठीक है, तो अब पूरे ये किस्म से टूट चुका है ये देखो, ठीक है। तो अब हमें जहरी बात इसको लाजमी लाना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा, तो जल्दी से मार्केट से मैं जाता हूँ और लेकर। अगर तो आपका अभी मैग्नेट इस तरह का अगर टूटा हो या ख़राब हो तो आपने ये चीज़ लेके जानी और इसी तरह का ना मैग्नेट लेना है, क्योंकि मैग्नेट ये होती हैं टाइप्स, ठीक है, थोड़ा सा कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं कंप्रेसर के मॉडल के हिसाब से होता है। जल्दी से ये लेके आते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। फिर मैग्नेट हमें लाना पड़ेगा नया, ठीक है। ये मैग्नेट देखो, अब इसमें पिछले वाले का फ़र्क मैंने दिखाया था, ये बिल्कुल स्ट्रेट है देखो, और ये मुझे पड़ा है 400 प्राइस, लेकिन जानने वाले से उन्होंने 300 का दे दिया हमें, और आपके एरिया में आप पता नहीं कितने का मिलेगा। बैरल ये आ गया, अब माशाल्लाह इसी है तो इसमें प्रेशर में बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला है, ठीक है। पहले मैंने बता दिया था हमने खोला हुआ था, ठीक है, ये सील्स आ गई, अब बस हमने इसमें सील्स अप्लाई करनी है। अप्लाई कैसे करनी है, सिंपल से, सबसे पहले इसमें के अंदर हमने डालना है मैगनेट, ठीक है, ये मैगनेट डाल दिया, और इसको मैं ज़रा डाल देता इसको पॉजिटिव नेगेटिव, आपने चेक कर लेना थोड़ा सा, ये देखो एक जगह होगी जहाँ पर ये मैग्नेट ना एक जगह चिमटेगा तो फिर दूसरी साइड में भी चिमट जाएगा, ये मतलब कि चिपक जाएगा, देखो नीचे करूँगा नीचे उधर चिपक रहा है। आपने इसको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर वो उसी जगह चिमट आएगी, ये यहाँ पर ही देखो, आप देखो उसी जगह पे बस, ठीक है। अब क्या करना है, आपने सिंपल से एक चीज़ ले लेनी है आपने इस तरह से जो हमने उतरे थे, कोई सा भी ले लेंगे मिक्स हो जाए कोई मसला ही नहीं है, मसले वाली बात बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब ये वाले समझो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये इसको मैंने सिंपल नीचे डालूंगा इस तरह से, ये डाल दिया मैंने, ठीक है, ये तीन वाला, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर रख देनी है सील, ठीक है, सील रख देनी है, ये वाली मैं रख देता हूँ इसके ऊपर, चेक करनी है कि बिल्कुल ठीक हो, A1 हो, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ज़रा डालूँ जहाँ पूरी बैठेगी वो, यहाँ पर देखो अगर तो ये बिल्कुल अच्छी तरह बैठ चुकी है, ठीक है, ये बैठ चुकी है, और यहाँ पर अभी हमने इसके ऊपर लगा देना है, इधर है हमारे पास जो ये चीज़ था जहाँ पर, अच्छा मैंने सॉरी उल्टा लगा दिया यार, देखो मैंने देखा ही नहीं, इसको उतारते हैं, ये चीज़ तो ऊपर आएगी ना, मैंने देखी नहीं, ठहरो बिस्मिल्लाह, वो चीज़ ऊपर आएगी, ये चीज़ नीचे लगेगी, ठीक है, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये देखो अब यहाँ पर आ गई है, ठीक है, सिंपल इसके ऊपर सील आएगी ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ इस तरह बिठा देनी, दो सील हैं, दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक ही साइड दोनों बनाई होती है, ये देखो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये करके सेट, ये बिल्कुल बिठानी है अच्छी तरह इनके अंदर, देखो मैं आपको दिखाऊँ बिल्कुल अच्छी तरह बैठ चुकी है ये, ठीक है। अब जो अंदर चीज़ थी वो देखो थोड़ी सी उधर है, इसके तीन डॉट ऊपर ले आओ इस तरह से, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने लगाना है, इन दोनों में से ये दो है ना, इन दोनों में से एक कोई लगा दो, कोई सा भी लगा दो, ठीक है, मैं समझो ये वाला लगा देता हूँ। अब ये तीन डॉट्स हैं ना, ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर जाएँ, ये जो तीन डॉट्स हैं ना इसके अंदर फंसना चाहिए, इसके ऊपर रखूँगा मैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह हिलाऊँगा थोड़ा सा, ये यहाँ पर फंस जाएगा, ये देखो फंस गया, अब जहाँ पर फंस गया उसके ऊपर बस आपने फंसा के रखना है। ये चीज़ दो लोहे वाली होती है, ठीक है, जो निकली थी हमारी, अब इसके ऊपर हमने ये रखना है, कोई सी भी साइड रख दो, ठीक है, एक जैसी होती हैं इसका, ये जो सुराख हैं इसके ऊपर वो वाली चीज़ बिठा देनी है, ये जो ये निकले हुए ना इसको बिठा देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो ये बैठ चुके हैं, ठीक है, ये बैठ गया। अब नीचे से प्रेस करूँगा मैं और यहाँ पर इसको नट से टाइट कर दूँगा, ठीक है, टाइट कर देना है इसको,
ठीक है, दोनों साइड लगा सकते हो, जिस मर्जी में लगाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, कोई भी मसला नहीं है। अब ये वाला नट लेना है, ठीक है, ये चीज़, और यहाँ पर इसको जोड़ लेना है। ठीक है, ऊपर से जोड़ना है और नीचे से हल्का सा प्रेस करना है कि ऊपर की साइड आ जाए और ये टाइट हो जाए। ठीक है, ऊपर की साइड करके इसको टाइट करना है ना। ये है जो इसकी इस साइड नट है ना, उसको नीचे प्रेस करना है और इसको थोड़ा सा ना चूड़ी फेरनी है। मैं आपको फेर के दिखाता हूँ, ठहरो, रुको। नट को मैंने इसके ऊपर बिठा दिया, अब बस इसको थोड़ा सा टाइट करना है। ठीक है, हल्का से इसको टाइट कर लेना जहाँ तक ये टाइट होगा, क्योंकि आपने ये नहीं समझना कि यहाँ से टाइट करूँगा वहाँ से छोटा पड़ जाएगा, ये एक ही जगह एडजस्ट होगा और बिल्कुल सही एडजस्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ लगा दी, थोड़ा सा इसको टाइट कर लेता हूँ जल्दी से, और टाइट कर लेता हूँ जल्दी से। अच्छा, अभी मैंने इसको टाइट कर दिया, ठीक है, और ये देखो अभी ये प्रेस हो रहा है इस तरह बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अब दूसरी साइड में भी इसको टाइट करना है। ठीक है, ये देखो ये दूसरी साइड में आ गया, पाइप को साइड में रखो। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, सही है। इसमें क्या करना है, हमने सिंपल से ये एक ये है, ठीक है, ये हमारे पास इसकी एक और भी साइड होगी, तो ये मिल गया हमें। ठीक है, ये चीज़ है, ये हमने इसके अंदर इस तरह डालनी है, सेम उसी तरह ये डालनी है। ठीक है, इसके ऊपर हमारी सील आ जाएगी, ये सील है। ठीक है, इसकी दो साइड होती है, एक ये साइड होती है, एक ये साइड होती है। जो ये वाली साइड है ना, इस चीज़ को आपने नीचे रखना है और वो चीज़ ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं इधर रख देता हूँ, बिस्मिल्लाह। ये देखो ये बिठा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको ज़रा से ऊपर करना है, इस तरह से ऊपर से खींच लेते हैं इसको थोड़ा सा, यहाँ पर नीचे से इसको ना एडजस्ट करके खींचते हैं। खैर, नीचे से मैं इसको ज़रा इस तरह ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ से ये ऊपर आ गया। ठीक है, नीचे से दबा के रखना है, थोड़ी देर दबा के रखना है, मैं फ़ोन एडजस्ट हो जा, दबा के रखेंगे इसके ऊपर हमारी आ जाएगी ये वाली सील। ठीक है, इसको लगा देता हूँ जल्दी से जहाँ पर अटक जाए, देखो ये अटक गई। ठीक है, सिंपल इसके ऊपर ये वाली सील आ जाएगी, ये सील नहीं है जिसके ऊपर ये ढक्कन है, ब्लर नज़र आ रहा होगा यार, फोकस नहीं हो रहा। ये देखो ये आ गया, इसके ऊपर अभी आएगा हमारे पास नेट, दबा के रखा हुआ सर में, वहाँ से निकल ना जाए। ठीक है, देखो अभी नेट लग गया। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों साइडों से हमने टाइट करना है, यहाँ से भी टाइट करना है, दूसरी साइड से भी। सही टाइट कर दिया था, लेकिन हमें चेक करना है दोनों साइडों से थोड़ा बराबर होगा तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ से भी बराबर हो, यहाँ से भी बराबर हो, जल्दी से कर लेते हैं। देखो यार, दोनों साइड में बराबर पेज बिठा दिए। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से जब मैं इसको प्रेस करूँगा ना, ये देखो यहाँ से हिल रहा है, यहाँ से प्रेस करूँगा तो वहाँ पर देखो ये, इससे हमारी जो हवा है वो बनेगी इंशाल्लाह। अब बस इसके ऊपर सीलिंग सील डालनी है ताकि ये बाहर ना आ जाए, क्योंकि यहाँ से मलका से प्रेस करूँगे थोड़ा सा, देखो बाहर आ गया। इसको इसके लिए हम इसको इसके ऊपर लगाएंगे सील, जो ये वाली सील है। ठीक है, ये कोई भी ले लो दोनों में से। ठीक है, यहाँ से इसको बिठाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों साइडों से अच्छी तरह बिठा लेने आपने। ठीक है, ये जब बिठाओगे ना, इसके ये चीज़ ना इधर से खींच खींच के इसके साइडों में डालनी है। ये देखो माशाल्लाह, ठीक है, कितना ज़बरदस्त बैठा है। अब इसके ऊपर ये वाला जो ढक्कन है ये लगाना है, ये भी दोनों एक ही जैसे होते हैं, जो मर्ज़ी लगाओ। एक दफ़ा ये नेट चेक कर लेने आपने, टाइट हो, इसको मैं टाइट कर लेता हूँ, वैसे तो ये टाइट ही होगा, लेकिन आपने इसको चेक कर लेना है, टाइट है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये रख देना है, बिस्मिल्लाह, ये रख दिए, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही सेट आया है। अब इसके ऊपर ये वाले जो पेज हैं हमारे पास, जो ये बड़े वाले पेज थे, ये वाले, ये हमने इसको डालने हैं और इसको टाइट करना है इनसे। यहाँ से भी टाइट हो गया है, यहाँ से भी टाइट कर लेते हैं इसको। ठीक है, दो पेज और ले लेते हैं यहाँ पर लगाने के लिए, सिंपल से इसको जल्दी से मैं जोड़ लेता हूँ। जो एक साइड है वो होगी डन, ये देखो। ठीक है, और अब दूसरी साइड को हमने पैक करना है। ठीक है, इसको नीचे डाल दो और ये जो सील है इसको रखने हैं इसके ऊपर इस तरह से। मैं एक हाथ से कर रहा हूँ अभी, बिठा के, ये इलास्टिक की है ना, तो इसको आपने करके इसके ऊपर बिठाने हैं आपने, यानी गोल दायरा जो है इसको ऊपर आपने इसके ऊपर बिठाना है सही करके, ये ना हो कि एक साइड से ऊपर हो एक साइड से बाहर हो, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने।
बिल्कुल एक्यूरेट बिठाना है इसको, ये लो ठीक है, बिल्कुल एकदम से परफेक्ट बैठ चुकी है। अब क्या करना है, सिंपल से इसका जो ढक्कन है हमारे पास ये वाला, तो इसके इस चीज़ को भी टाइट कर लेना है, जो इस साइड की सील जो मैंने वो बताया था इसको टाइट कर लो ठीक है। ये देखो ये थोड़ी सी ढीली थी, इसको टाइट कर लो सही है, ये टाइट होगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर ये चीज़ रखो और वही एकदम से ये वाले पेज जो हैं ये इसके ऊपर लगा दो ठीक है। ये पेज हम लगा रहे हैं तो इसको जल्दी से टाइट कर लेते हैं, जल्दी से मैं टाइट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बैठ चुकी हैं दोनों चीज़ें और ये पैक हो चुकी है मशीन ठीक है। सील वगैरह हमने बिठा दी, मैग्नेट चेंज करने वाला हुआ था वो चेंज कर दिया हमने, पुराना मैग्नेट वो फेंका हुआ हमने ठीक है। अब सिंपल से जाके इलेक्ट्रिसिटी इसको देते हैं और अंदर जाके वहाँ पर ही वो चेक करते हैं कि इसमें क्या हल हो गया है। अब ये पाइप नहीं लगाना, ये लगाना है तो ये लो लगा दो ठीक है, ये लो चेक कर लेते हैं पहले सही है। और ये इसका जो कोर इसको रिपेयर करते हैं, बैरल पहले जाके अंदर जाते हैं और इसको चेक करते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो वायरिंग मैंने अभी अंदर आके और मैंने कर दी है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठीक है। ये कंप्रेसर था देखो, मिट्टी लगी हुई है वही मैंने साफ़ इसलिए नहीं की, अभी करेंगे इंशाल्लाह साफ़ इसलिए नहीं की ताकि ये ना बोलो जी ये तो कंप्रेसर ख़राब है। ये देखो बिस्मिल्लाह ये ऑन की और ये देखो ये अब इसमें ना वन पे ये देखो सुनो आवाज़ आ रही है, ये माशाल्लाह से रिपेयर हो चुके हैं। देखो अभी मैं ये वन पे है ठीक है, ये यहाँ पर मैं लगा दूँ ठीक है, ये वन पे है वो उसका वो थोड़ा सा इलाव है, ये थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ये देखो माशाल्लाह, और यहाँ से आउट भी आ रहा है ये देखो हवा भी आ रही है यहाँ से। अब तेज़ करता हूँ, अब देखो फुल तेज़ करता हूँ, फिर देखो वो देखो माशाल्लाह 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 ये देखो कितना ज़बरदस्त हो गया, बहुत तेज स्पीड में चाह रही है देखो माशाल्लाह, ये बिल्कुल हाई पे है ठीक है। और ये देखो इसमें मज़े का चाह रहा है, ये देखो हवा हवा अगर नज़र लगा रहे हो देखो फर्क नज़र आएगा, ये देखो इस ये देखो माशाल्लाह से, ये वही कंप्रेसर है जो पहले हमारा ख़राब था और अभी हमने इसको रिपेयर कर दिया ठीक है। लाइट में फिर से कह रहा हूँ यार ये ऐसी इसमें ब्लिंक हो रही है इसमें, ये देखो अब कैमरे के सामने मैंने किया ठीक हो गया, देखो ये ऐसी ब्लिंक कर रही है ये कैमरे की वजह, देखो ये देखो ये ठीक होगी माशाल्लाह, ये देखो ये देखो आवाज़ आ रही है देखो माशाल्लाह बिल्कुल से ठीक हो गया। अच्छा एक इसमें बोलते इसको मैं बंद करता हूँ, एक इसमें ये होता है कि कभी कभी यहाँ पर जो हमारा आवाज़ बहुत आ रही है, आवाज़ इसलिए ज़्यादा आ रही होती है कि इसमें मैगनेट उल्टा लगा होता है, वो सीधी करने हैं अपने मैगनेट, दोबारा खोल के मैगनेट को दूसरी डायरेक्शन में करोगे तो फिर आवाज़ नहीं आएगी, प्रेशर उसमें भी तेज़ होगा लेकिन आवाज़ आएगी, आवाज़ ख़त्म करने दूसरी साइड में मैगनेट को कर देना है ठीक है। माशाल्लाह से देखो इतना ज़बरदस्त चल रहा है, आठ में कर रहा हूँ ये देखो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो शुक्र ये देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आओ यार बैर इसको साफ़ सुथरा करते हैं और इसको पैक करके एंड में आपको फिर एक बार दिखा दूंगा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल अल्लाह ताला के करम की वजह से ये हमारे बिल्कुल रिपेयर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बिल्कुल अच्छा ज़बरदस्त किस्म का चल रहा है। अब बस अब छोटा सा काम ये रह गया कि ये चीज़ हमने लगानी है यहाँ पर, इसको इसको ठीक करना है और ठीक है ये हमने इसको ठीक रिपेयर मतलब इसको बस जोड़ना है ग्लू से ठीक है, ये ठीक करना है और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया ठीक है। बाकी ये पाइप यहाँ से थोड़ा सा ना उतर जाते हैं, देखो इसको पक्का करना है क्योंकि गैस पीछे से ये यहाँ से गैस का इन होता है तो इसको जोड़ा रहना चाहिए पक्का ठीक है, अगर जोड़ा नहीं रहेगा तो फिर इसमें गैस लीक होने का खदशा होगा ठीक है, जोड़ देंगे ठीक है। ये मैं इसलिए लाया था शुरू में, मैंने कहा और भी कहीं टूटा हुआ कई दफ़ा इसका मसला होता है यहाँ से लीक होता है, यहाँ लगाएंगे बस ये और बस इसको करना है बस, और तो कोई भी नहीं है देखो ठीक है, और सारे पाइप पक्के लगे हुए इसे गुजारा कर लेते हैं, लग जाएगा इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा, बाकी जो है ये वन हो गया ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इसको करते हैं और इसका भी करते हैं उसको सफाई कर देते हैं ठीक है। हाथ में एल्फी भी है और वो भी है, सबसे पहले एल्फी थोड़ी सी लगाएंगे इसकी साइड में, पहले इसको क्लीन करना होगा इस सरफेस को, मैं कोशिश करता हूँ कि अभी आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूँ क्योंकि ये ज़रा यार इसी को मैं उतार के फिर दिखा देता हूँ क्योंकि इस तरह के रखने नहीं हो रहा, जहाँ तक ये साफ़ हो सकता था उतना मैंने साफ़ इसको कर दिया ठीक है। अब साइडों में बस एल्फी लगानी है, वो एल्फी एकदम सूख जाती है इसलिए जल्दी से लगाऊंगा
तो बस जल्दी से लगाते हैं, ठीक है। मैं फिर पाइप जोड़ के दिखाता हूँ आपको। यार ये लगा दिए, एलपी में काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको ग्लू करना है तो एलपी से गुजारा हो जाएगा, बल्कि पक्का हो जाएगा, लेकिन एलपी से भी हो गया, ठीक है। अभी बस यहाँ पर इसको जलाना है और जला के साइडों में बस ये लगा देना है, सिंपल। इसको मैं ट्राई करता हूँ कि आपको दिखा दूँ, लाइटर इसको इस तरह कर लेता हूँ और इसको आग लगाता हूँ। पिघल जाए, क्योंकि मेरे पास ग्लू गन नहीं है, तो इसी से गुजारा करना पड़ेगा और देखते हैं इंशाल्लाह इससे हमारा गुजारा हो जाएगा होपफुली। और चलो ये गिरने शुरू हो गया है, ये इसके साइड में इस तरह से लगा देनी है, ठीक है। मेरा गुजारा क्या, हमारा तो काम बन चुका है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखो, ठीक है। अच्छा मैं वो वीडियो में ये करता हूँ कि इन साइडों में सारे लगाता हूँ इजीली, ठीक है। फिर बस बाद में साफ़ करते हैं, इसको जोड़ते हैं, बस काम ख़त्म करते हैं अपना। अंदर वाला काम ग्लू लगा दिया, अब बस इसका ढक्कन लगाना, ठीक है। ढक्कन इसके ऊपर रखना है और इसको जोड़ देना, ठीक है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने पैक कर दिया, ठीक है। बस पेज लगाने से लगा दिए, वही कंप्रेसर है। अब इसको बस सफाई करनी है। अब इसको सफाई किससे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। बल्कि वो ऑफ वीडियो में आपको कर देता हूँ सफाई, और फिर एंड में रिजल्ट दिखाता हूँ जी साफ़ होता है। बस इससे थोड़ा सा साफ शुफ कर देता हूँ मैं जल्दी से, और एंड में रिजल्ट दिखाता हूँ। एंड में बस इसको जोड़ेंगे और वहाँ से वीडियो को एंड कर देंगे। यार माशाल्लाह जितना ये साफ़ हो सकता था उतना मैंने किया इसको साफ़, ठीक है। और सही, हाँ थोड़े से धागे, इसका कोई मसला नहीं है कि उसके ऊपर पाइप आ जाएगा, छुप जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर बस ये लगाने, इसका परमानेंट हल ये है कि थोड़ी सी इसमें एलपी लगा के इसमें जोड़ देंगे, इंशाल्लाह हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ग्लू लगाता हूँ ग्लू गन से ये वाली चीज़, तो ये थोड़ा सा इसमें असर करेगी। हाँ ये है कि बिल्कुल एंड में थोड़ी सी अगर लगा दूँ तो काम मेरा बन जाएगा, ठीक है। बस ये लगाना है और ठीक हो जाएगा। ये भी इसी तरह में इसमें बस ये लगाना है आपने, इस तरह इसको बिल्कुल ना ज़ीरो करना है, ज़ीरो करके ना ज़ीरो की पोजीशन में इसको ये वन पे आएगा, ठीक है। अब देखो फुल करूँगा ना मैं तो ये एट तक जा रहे हैं, देखो ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा इसको भी मैं साफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको थोड़ा सा साफ़ करने के बाद इसको लगा दिए। अब देखो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, देखो एट तक जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीछे लेंगे ये एट में, हाँ ठीक है एग्जैक्ट, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो चुके हैं और हमारा कंप्रेसर है रेडी, ठीक हो गया। अब इसको मैं आखिरी फाइनल टेस्ट पे लुक चेक करा देता हूँ आपको, ठीक है। और ठीक है बस वो चेक कराते हैं, उसके बाद बस वीडियो को एंड करेंगे हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अंदर ले आई हूँ और आपको आखिरी इसको फाइनल टेस्ट करा देता हूँ। ये देखो वन पे, ठीक है, ये चल रहा है। और यहाँ से ये पीछे देखो ये इनपुट, ठीक है। अभी जहाँ आखिरी में चल रहा था ना वहाँ उतना यहाँ पर भी चल रही है, देखो। अब आवाज़ अगर आपको आ रही है तो ठीक है। अभी देखो मैं इसको फुल हाई पे भी दिखा देता हूँ आपको, देखो आवाज़ देख लो। और ये देखो ये माशाल्लाह पीछे से देखो, देखो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार हो गए काम। देखो घर में बैठे हुए आप कामों को सीखो, ये नहीं कि बाहर आप लोगों के पास जाओ और उनसे ठीक रहो। उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको फ़ायदा होगा और आपका जो कंप्रेसर है वो भी ठीक होगा अल्लाह ताला के फजल करम से, ठीक है। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।